आज हम कक्षा 10 के पांचवें पाठ अमल क्षार लवण और उससे निर्मित यौगिकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है अम्ल व क्षार। साधारण जीवन में काम आने वाले ये पदार्थ हमारे जीवन में बहुमूल्य कह सकते हैं। बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। बहुत सारे पदार्थ दैनिक जीवन में इससे निर्मित हम उपयोग में लेते हैं, जो प्रकृति द्वारा भी प्रदत्त है और संश्लेषित भी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमल की। ऐसे ही कहते हैं इसको अमल, जो साधारणतः अपने खाते हैं उसमें खट्टापन आए तो वो पदार्थ अम्ल है, ध्यान करें इसमें अमल की मात्रा है, ठीक है। और खट्टेपन के कारण इसका चेक कर दिया जा सकता है। इसके अलावा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये और अमल की पहचान है कि नीला लिटमस पत्र डाले तो वो लाल हो जाएगा। इसके अलावा ये धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, संक्षारक होते हैं। इस तरह के कई गुण हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। संक्षारक ये दोनों ही होते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों ही संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब है किसी पदार्थ से क्रिया कर उनके गुणों को नष्ट करने वाला, ऐसा कोई पदार्थ जो गुणों को नष्ट करे वो पदार्थ क्या कहलाता है? संक्षारक कहलाता है। ये अमल में भी गुण पाया जाता है, क्षार में भी गुण पाया जाता है, ध्यान रखना। अब आज हम क्षारक की बात करें। क्षारक कैसे कहेंगे? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, नॉर्मली हम इनको खाते नहीं है या इनका उपयोग खाने के लिए सीधा नहीं करते। दूसरा, लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीला करते हैं। ये नीले को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीला करते हैं, ध्यान रखना। छूने में ये चिकने लगते हैं, ये पदार्थ इसके अगर पहचान कर लिए तो चिकने पदार्थ, छूने में सामान्यतः ये चिकने लगते हैं। जैसे उदाहरण दो आपको साबुन का, तो साबुन को स्पर्श करें तो वो चिकनी होती है। इसका मतलब साबुन किससे बना है, किस पदार्थ से बना है? क्षारक से बना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्षार के बारे में बताने के लिए तीन कल्पनाएं, परिकल्पनाएं हमारे सिलेबस में। उसमें सबसे पहली परिकल्पना है आर्किमिडीज की परिकल्पना, कि भाई आर्किमिडीज ने अमल व क्षार के बारे में क्या कहा। आर्किमिडीज ने अमल व क्षार के बारे में कहा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्किमिडीज ने कहा कि भाई जो पदार्थ, यानी इसने जल में विलयता के आधार पर बताया, जल में विलयता के आधार पर होता है, विलयता के आधार पर कैसे, उसको आगे डिस्क्राइब करेंगे कि भाई आर्किमिडीज की परिकल्पना क्या थी। आर्किमिडीज के अनुसार अमल किसे कहते हैं? आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक था उसने अमल की परिभाषा दी, तो उसने कहा कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं, देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ध्यान करना। अब ये आप नीचे उदाहरण देख रहे हो, उसमें सबसे पहला एक उदाहरण है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको, ध्यान करना। जैसे इसको जल में मिलाया जाता है तो H+ आयन बनता है और Cl- आयन बनता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे ये वियोजित हुआ, उसमें घुला, तो H+ आयन उससे अलग हो गए। अगर कोई पदार्थ H+ आयन देता है तो आर्किमिडीज के अनुसार वो पदार्थ क्या कहलाता है? अमल कहलाता है। क्योंकि ये जो H+ आयन देखते हो, ये H+ आयन जो है उसी जल में, यहाँ एक्यूब का मतलब है जल के अंदर ही है, ये जलीय विलयन है। मैंने सबने नहीं लिखा, सबने ये स्थिति है कि भाई एक्यूब का यहाँ तात्पर्य क्या है? जलीय विलयन है, ध्यान करना। यदि यही H+ आयन उसी जलीय विलयन से क्रिया कर लेगा, H2O के साथ क्रिया कर लेगा, तो एक आयन बनाएगा जिसका नाम होता है H3O+ H3O+ आयन, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। जिसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन होता है, ध्यान करना। तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा तो अमल किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं अमल कहलाते हैं। इसके दो उदाहरण आपके सामने मिले थे। अब क्षारक किसे कहेंगे? जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। OH- आयन का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यदि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो पदार्थ साधारणतः आर्किमिडीज की परिकल्पना के अनुसार क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और क्षारक के लिए इसने उदाहरण दिया, सबसे पहला इसने लिया NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान करना। अब ये जैसे ही क्रिया करता है, ये क्रिया करते ही दो आयनों में विभक्त हो जाएगा, Na+ और OH-। इसी तरह से नीचे देखते हैं तो KOH लिखा है, तो इसमें आयन जो बनेगा वो K+ बनेगा और OH क्या बनेगा? -, बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास दो पदार्थ थे
तो जल में विघटित होकर ये आयन बना रहे हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन आयन देखो ध्यान से आप देखो कि तो दोनों में OH आयन अलग हो रहे हैं, तो OH आयन अलग हो रहे हैं। तो आर्किमिडीज कहता है कि यदि कोई भी पदार्थ जल में घुलकर OH आयन देता है, मूव करता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ क्षारक कहलाते हैं, ध्यान कर लेना। तो ये क्षारक की परिकल्पना उसने कही, ये क्षारक किसे कहेंगे? जो पदार्थ जल में घुलकर OH आयन देते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। अमल किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं या H3O+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। ध्यान करना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसको गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, ये भी इसी तरह से H+ आयन मुक्त करता है, तो इससे ये तात्पर्य हुआ कि ये आयन जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन जब देता है तो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है, और OH आयन देता है तो क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। आज के लिए इतना ही, इसके अलावा दो परिकल्पनाएं और है, उसके बारे में बातचीत करेंगे।